राजस्थान में एक बार फिर से मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपे गए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी के ऑफिशियल सोशल अकाउंट पर उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस जिले का प्रभार कौन से मंत्री को मिला है। शुरुआत करते हैं प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम से। प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री का पदभार संभालने वाली दिया कुमारी को अजमेर और केकड़ी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। वहीं दूसरे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद्र बैरवा को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद का प्रभारी बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं अपने इस्तीफे की वजह से चर्चा में रहने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की। मीणा को अलवर और खैरतल तिजारा जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने लोकसभा चुनाव में 7 सीटों में से एक भी सीट हारने पर इस्तीफा देने की बात कही थी और जब नतीजे आए तो बीजेपी इनमें से 4 सीटें हार गई थी। वहीं नागौर लोकसभा सीट को लेकर मतदान के बाद हार की बात कहने वाले मंत्री गजेंद्र सिंह खीमवसर को बीकानेर और अनूपगढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। दौसा और गंगापुर सिटी का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भजनलाल सरकार में उद्योग और वाणिज्य सह युवा मामलों के साथ ही खेल मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और उसी से अलग बनाए गए जिले फलौदी की जिम्मेदारी सौंपी गई है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को। नागौर और डीडवाना कुचामन का जिम्मा सौंपा गया है मंत्री कन्हैया लाल मीणा को। राजधानी जयपुर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर और डीका के प्रभारी बनाए गए हैं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। लोकसभा चुनाव में चुरू और झुंझुनू सीट गंवाने वाली बीजेपी ने इन दोनों ही सीटों का प्रभारी मंत्री बनाया है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री अविनाश गहलोत को। बाड़मेर बालोतरा और जैसलमेर का प्रभारी मंत्री बनाया गया है जोरा राम कुमावत को। वहीं श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग सुमित गोदरा को। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का प्रभारी मंत्री जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उदयपुर और सलमपुर का प्रभारी मंत्री राजस्व विभाग के मंत्री हेमंत मीणा को। कोटा और सवाई माधोपुर का प्रभारी मंत्री सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त को। सीकर और नीम काथना का प्रभारी मंत्री वन मंत्री संजय शर्मा को। झालावाड़ और बाना जिले का प्रभारी मंत्री पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी को। पाली और ब्यावर का प्रभारी नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा को और ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर को टोंक और बूंदी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। भीलवाड़ा और शाहपुरा का प्रभारी मंत्री मंजू बागमार को। सिरोही चालोर और सांचोर का प्रभारी मंत्री के विश्नोई को। करौली धौलपुर जिले का प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बैडम को और कोटपुतली बहरोड़ का मंत्री राजस्व विभाग के मंत्री विजय सिंह को बनाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी ने अपने मंत्रियों को जिलेवार जिम्मेदारी सौंपी थी लेकिन इस बार बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के नतीजे सुखद नहीं रहे। बीजेपी को 25 में से 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था।